तीसरे तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 43 करोड़ रुपए से बढ़कर 69 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी के मुनाफे में सालाना आधार पर 60% की बढ़ोतरी हुई है। इस अवधि में कंपनी की इनकम 270 करोड़ रुपए से बढ़कर 410 करोड़ रुपए रही है। कंपनी की इनकम में सालाना आधार पर 52% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अदर्स इनकम की बात करें तो वो 7.8 करोड़ रुपए से घटकर 7.1 करोड़ रुपए रही है। और दोस्तों, कंपनी ने 1 रुपए पर शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अपडेट रेलटेल कंपनी को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।